हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही डिलीशियस टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ आधा किलो पालक, और ये मेरे गार्डन का पालक है जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अगर आपने मेरा टेरेस गार्डन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार जाकर देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। तो सबसे पहले हम पालक को बॉयल करेंगे। तो मैंने यहाँ आधा किलो पालक लिया है लगभग, और ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया आधा ग्लास पानी, और इसमें डाल दूँगी मैं अपने अच्छे से साफ़ किए हुए पालक। आप किसी और भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं पालक को बॉयल करने के लिए, लेकिन ज़्यादा बर्तन गंदे करने से क्या फ़ायदा। तो ये मैंने अब ढक दिया है पालक को, और पालक को लगभग 4 से 5 मिनट तक हम बॉयल कर लेंगे, और 4 से 5 मिनट में हमारा पालक अच्छे से बॉयल हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारा पालक बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है, इसे बारीक पीसना है। तो ये देखिए, मैंने पालक को प्लेट में निकाल लिया है, और यहाँ मैंने लिया है बॉयल किए हुए पालक, 2 टमाटर और अदरक और लहसुन, और इन तीनों को हम अलग अलग इन तीनों का पेस्ट बनाएंगे, इन तीनों को पीसेंगे। तो ये देखिए, मैंने पालक को पीस लिया है, पनीर को क्यूब्स में काट लिया है, मैंने लिए हैं लगभग 300 ग्राम पनीर, और 2 बड़े प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट जिसमें मैंने 9 से 10 कलियां लहसुन और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, और 2 टमाटर जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और अब मैं कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप जो भी ऑयल खाते हैं उसी में सब्जी को बनाएं। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा। सरसों तेल को आप अच्छे से गर्म करें। फिर इसमें जाएगा 3 से 4 तेज़पत्ता, 1.5 से 2 इंच लंबा दालचीनी का टुकड़ा, और 1 बड़ी इलायची। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें बिल्कुल फाइनली चॉप करना है, और इसे अच्छे से हम भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, लेकिन आप उससे ज़्यादा इसका कलर डार्क ना करें। और ये देखिए, हमारे प्याज बिल्कुल भुन गए हैं। प्याज को भुनने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगा है। अब इसमें ऐड कर देंगे अपने अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये लगभग 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए हमें इसे भुनना है, जब तक कि हमारे अदरक लहसुन के पेस्ट अच्छी तरह से भुन ना जाए, इससे अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, तब तक इसे हमें भुनना है। अब अदरक लहसुन भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना टमाटर का पेस्ट, और इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें ऐड करेंगे हम अपने मसाले, सूखे मसाले, जिसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर भर के, और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, ये लगभग 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे अच्छी तरह मिक्स करते हुए हमें भुनना है। और ये सारा प्रोसेस मैं लो से मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है। जब आपको लगे कि आपके मसाले जल रहे हैं तो आप फ्लेम को थोड़ा कम कर दें। और ये देखिए, कितने अच्छे से हमारा टमाटर मसालों और प्याज का पेस्ट भुन चुका है। बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से भुनने की। अब इसमें ऐड कर देंगे अपने पीसे हुए पालक, और बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, सभी को बहुत पसंद आई। और इसे हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पालक को भी भुनना है, लेकिन आप उससे ज़्यादा टाइम इसको भुनने में ना दें, पालक को उससे ज़्यादा ना भुनें, नहीं तो पालक का कलर आपका चला जाएगा, और फिर देखने में आपकी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया है पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लें,
और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। अब ये देखिए, अब इसमें ऐड कर देंगे हम स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि अभी तक हमने इसमें नमक नहीं ऐड किया था, तो इसमें लास्ट में ही ग्रेवी के हिसाब से ही नमक ऐड करें और इसे थोड़ा सा उबलने देंगे। और ये देखिए हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे पनीर, मैंने यहाँ लगभग 300 ग्राम पनीर लिया है आधा किलो पालक में, और इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे 2 मिनट के लिए। और ये लगभग 2 मिनट अब हो चुके हैं, और ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, जिसे मैं अपने दोनों हाथों से रगड़ कर डालूँगी। आप हमेशा कसूरी मेथी को अपने दोनों हाथों की हथेलियों से रगड़ कर ही डालें, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और ये रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बन रही है, तो इसमें जाएगा गरम मसाला आधा छोटा चम्मच। ये मैंने घर के गरम मसाले का यूज़ किया है। अगर आप मार्केट का गरम मसाला ले रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसलिए मैंने इसका फ्लेवर बहुत ही हाई है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर है इसमें। अब हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम, मैंने यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम लिया है। आप घर में भी जो मलाई निकालते हैं आप उसका भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास मलाई नहीं है तो इसमें आधा कटोरी दूध ऐड कर दें। और ये देखिए हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठे किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।